कोटा में कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के बीच मंच पर ही तीखी बहस हो गई। गुंजल के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने के बाद शुक्रवार को कोटा में यह पहली सभा थी। धारीवाल ने गुंजल को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने कांग्रेस ज्वाइन की है, अब आप ये कहिए कि आपने मुझ पर जो आरोप लगाए थे वो सब गलत थे। इस बयान के बाद गुंजल और उनके समर्थक नाराज हो गए और जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय में जनसभा का आयोजन किया गया था। इससे पूर्व गुंजल ने गुरुवार रात धारीवाल से मुलाकात भी की थी। वहीं उन्होंने कहा कि ये भी कहिए कि आप सेक्युलर हैं। इस पर गुंजल मंच पर खड़े हो गए और धारीवाल को टोकते हुए कहा कि आप सीनियर नेता हैं और मंच पर ऐसी बात शोभा नहीं देती। इतने में ही गुंजल और धारीवाल के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। धारीवाल ने गुंजल की ओर से लगाए गए पुराने आरोपों को लेकर मंच से ही निशाना साधा। धारीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया तो ये सबके उम्मीदवार हैं। जब ये मिलने आए थे तो मैंने स्पष्ट कह दिया था कि आपने जो आरोप लगाए थे या तो ये साबित करो या कह दो कि सभी आरोप गलत माने। इन्होंने कह दिया था कि मैं बोल दूंगा आरोप गलत थे। ये बात साफ करनी होनी चाहिए क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात है, बार बार आकर पूछते हैं उनका क्या होगा। मैंने तो कह दिया, मुझसे तो कह दिया गया कि सब बात ख़त्म है और आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सामने वो बड़ा दुश्मन और आदमी है जिसने कोटा के हर काम को रोका है और रोड़े अटकाए हैं। मंच पर भाषण के दौरान पूर्व मंत्री धारीवाल ने गुंजल को हिदायत देते हुए कहा कि आप कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस की विचारधारा सांप्रदायिक विरोधी है, उसे आपको अपनाना पड़ेगा। कांग्रेस की पहली शर्त ही ये है कि आदमी सेक्युलर होना चाहिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता। आपको चुनाव में दिखाना पड़ेगा क्योंकि सेक्युलर वोटों की संख्या कम नहीं है, सेक्युलर वोटों का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो करूंगा, मैं तो अपने समुदाय को करूंगा। हरि ओम, हरि ओम। मेरा मतलब यही है कि जब इन्होंने पार्टी बदल ली, विचारधारा बदल ली और कांग्रेस की विचारधारा को अपना लिया तो फिर अपना भी कर्तव्य यही बनता है। कि जिस आदमी ने कांग्रेस के विचारधारा अपना ली हो और उस विचारधारा के अनुसार अपना आचरण कर रहे हो तो निश्चित तौर पर उसको उस कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं वो होते रहेंगे, अपनी जगह पे है, लेकिन जहां तक पार्टी की जीत का सवाल है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कांग्रेस का वोट कांग्रेस को ही जाएगा। ये बात, ये अंतिम बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि खैर मुझे तो जो तकलीफ थी वो मैंने अपनी तकलीफ बता दी आपको और कह भी दिया, लेकिन जिस किसी को भी कोई और कोई तकलीफ हो वो भी अगर कोई बात हो तो व्यक्तिगत तौर पर कर करके देख लेना, लेकिन वोट कांग्रेस का है तो कांग्रेस को ही जाएगा ये मान के चलना। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो आरोप आपने विपक्ष में रहकर के और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, चाहे वो रिवर फ्रंट के मामले में था, चाहे मेरे मकान के ऊपर जो पुलिस को वो पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में था कि और भी कई मामलों में था, वो सब गलत थे। तो अगर गलत थे तो मेरा समर्थन है और अगर आप उसको जब तक सूरज चल रही है।
बात सुने, पूरी बात सुने।